यदि हमारे शरीर में किसी तरह का बदलाव नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हमें किसी भी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हमारी दिनचर्या चलती रहती है। लेकिन यदि हमारे शरीर में किसी तरह का बदलाव होता है, कोई हमें प्रॉब्लम होती है, तो हमें उसे गंभीरता से लेनी चाहिए, हमें डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करने चाहिए कि हमें इस तरह के हमारे शरीर में कोई बदलाव आ रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उस प्रॉब्लम के बारे में किसी तरह का भी निराकरण निकाल सकें। आज हम किडनी से संबंधित प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि यदि आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं, क्या क्या आपको सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश है और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। हमें पता रहता है कि हम दिन में कितनी बार यूरिन पास कर रहे हैं, यूरिन का कलर कैसा आ रहा है, किस तरह से हमें कोई यूरिन पास करते समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। यदि हमें यूरिन पास करते समय कोई प्रॉब्लम होती है या यूरिन का कलर चेंज हो जाता है या हम बहुत ज़्यादा बार बार यूरिन कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा कम हो गई यूरिन पास करते समय या किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है हमारी किडनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करने चाहिए। आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है, यूरिन के साथ साथ ब्लड आ रहा है, तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें, आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो सकता है किडनी में किसी तरह की समस्या आ रही हो, जिसके कारण आपको ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। यदि आपको पेट के दाएं या बाएं और बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो, यो जो दर्द आप बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है वो किडनी के संकेत हों कि किडनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जिसके कारण आपको ये सारी समस्या हो सकती हैं। आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा अचानक से कम हो रहा है, तो तब भी उसको आप नज़रअंदाज ना करें, हो सकता है आपको किडनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो। आपके शरीर में कोई अचानक से सूजन आ जाती है, धीरे धीरे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, आपकी आँखों के नीचे सूजन आ जाती है या फिर पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, तो उसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हो सकता है वो आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जो संकेत दे रही हो कि आपकी किडनी में हो सकता है किसी तरह का इन्फेक्शन हो, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। यदि आपको यूरिन पास करते समय बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, तब भी उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हो सकता है आपकी किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा हो या किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो, वो जिसके कारण से ये यूरिन पास करते समय आपको जलन हो रही हो या दर्द हो रहा हो, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हो सकता है आपकी किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम हो जो आपको संकेत दे रहा हो, जिसके कारण आपको समस्या हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हमेशा तनाव में रहते हैं, जिसके कारण आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका सा रहता हूं, तो आपको उस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हो सकता है आपको किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, जिसके कारण आपको ये सारी समस्या हो सकती है। यदि आपको ये बताए हुए किसी भी तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, जिसको आप दिखाते हैं, हो सकता है उसको समझ में ना आए या फिर वो नहीं समझ पा रहा है इस चीज़ को, तो आप यूरोलॉजी डॉक्टर को दिखाएँ, जो यूरिन फंक्शन का जो डॉक्टर होता है उसको दिखाएँ, ताकि वो हो सकता है आपको किसी तरह के टेस्ट की ज़रूरत हो तो वो टेस्ट करा सकें, जिससे आपकी समस्या का निराकरण हो सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।